अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ जर्नी जो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, और ये बहुत ही ज़्यादा बजट ट्रैवल रहेगा और इसको हम बहुत कम से कम में कंप्लीट करने की हो गए। तो जहाँ जहाँ रुकते हैं, जहाँ जहाँ खाते हैं, जो करना है, जैसा भी रहेगा, हम मैं आपको पूरी डिटेल में बता पाऊँगा। तो अभी साकी बाहर आए तो फाइनली साकिब भाई आ चुके थे और हम लोग ऑटो करके चारबाग स्टेशन के लिए निकल चुके थे और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, सुहाना हो चुका है, ठंडा लग रहा है। अपना लखनऊ वैसे भी रात में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुहाना लगता है और ठंड में तो क्या ही कहें। तो अब ये नई जर्नी की शुरुआत है, तो बने रहिए अपने साथ। अब हम लोग पहुँच चुके हैं चारबाग स्टेशन। साकिब भाई भी तैयार हैं। और देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और हम लोग चारबाग आ चुके हैं। हम हाथ पास सब लाए हुए हैं और चारबाग आ चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बोलने ही नहीं देते यार। हम लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का और ट्रेन अभी तक आई नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ है। देखते हैं कि अंदर जाके स्टेशन के। ये अब चारबाग पहुंच चुके हैं और ट्रेन देखिए सामने लगी हुई है या लगने वाली है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। ले लो मैगी ले लो यार, पानी नहीं मिलेगा। अरे गर्म पानी है ट्रेन में सुविधा यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। इतना हो, एक नंबर की ट्रेनें है कि नहीं भैया है। और फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है और कितना अच्छा लगता है जब ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन चल चुकी स्टेशन को छोड़ते हुए। तो ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, बने रहिए। बरेली आ चुका है और बरेली में बैठे हैं और ये पानी जैसी चाय ये एंजॉय कर रहे हैं। इसके बारे में चाय बहुत ही बढ़िया है, 10 रुपए की चाय है। आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है ये? तो फाइनली हम लोगों ने उत्तराखंड में एंट्री कर ली है और सुबह का वक्त, ये हसीन नज़ारा, ये हसीन वादियाँ और ये मौसम, बारिश भी शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे बारिश मिलती है कि नहीं। 7:50 हो चुका है और हल्द्वानी हम लोग पहुँच चुके हैं और बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि आपको बता नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से वापस जाते हैं कि आगे बढ़ते हैं। बारिश बहुत तेज़ है, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। तो अभी हम लोग हल्द्वानी में हैं और अब डिसाइड करते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बारिश में तो क्या करें। आके भाई खड़े हैं ये। तो आपको वो मिले कि नहीं मिले ब्रेड पकौड़े? हाँ ब्रेड पकौड़े चल रही है भैया। दो ब्रेड पकौड़े, दो चाय। हाँ क्या करें, अभी फिर क्या जा रहे हैं? दो चाय और दो ब्रेड के पकौड़े। बहुत ज़बरदस्त हो रही है और हम लोग इस टाइम अभी पहुंच चुके हैं जियोली कोर्ट में हैं और नैनीताल जा रहे हैं। तो बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। आप जैसे पीछे देख सकते हैं बारिश कितनी तेज़ हो रही है। हम लोग पूरा पैक हैं, गाड़ी वाड़ी एकदम तैयार है, राइड है। ब्रेड ऑमलेट का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आता है और खाते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं है। वैसा सा नज़ारा देखने को मिलता है ना, अद्भुत नज़ारा, जब बादल आ जाते हैं, बारिश हो रही होती है, कितना खूबसूरत लगता है। आज बारिश इतनी हो रही कि हम लोग काठगोदाम से जब निकले थे तो पूरा भीगते भीगते नैनीताल पहुँचे और 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, समझिए आपको, काठगोदाम से नैनीताल। जो घंटा 1-1.5 घंटे का रास्ता है उसमें हमें 3-4 घंटे लग गए। टोटल बारिश में आए थे, सारे कपड़े देखिए गीले हो चुके हैं, पूरे सब भीग चुका है सारा सामान। तो रूम मिल गया है बेसिकली हमको यहाँ पे और सही बजट में मिल गया है, मतलब ठीक है। अब यहाँ रुकते हैं और खाने वाने का ऑर्डर करेंगे, देखा जाएगा फिर क्या कर सकते हैं। और बारिश आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है। देखिए अब बारिश का बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ फॉग है, बादल है और कुछ नहीं है।
और कपड़े जो है सूख रहे हैं यहाँ पे। चाबी लाओ। 5 बज रहे हैं और आपको यहाँ का व्यू मैं दिखाता हूँ होटल का। इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश की आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कि बारिश का जो नॉन स्टॉप हो रही है बारिश। देखिए जो नैनी झील है उसका स्तर इतना बढ़ गया है बारिश होने के बाद कि वो रोडों तक आ गई है, मॉल रोड तक आ गई है। बेसिकली ये मॉल रोड है और ये पूरी तरीके से नैनी झील में डूब चुकी है। पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपके सामने है। सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और कहीं आना जाना नहीं है, रास्ते बंद हो चुके हैं। तो हम लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, बट देखते हैं क्या होता है आगे। हम लोगों ने खा लिया है और 9:30 बज चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब देखते हैं कल हम लोग निकलते हैं कि रुकते हैं, क्या होता है। जैसा भी होगा आपको कल अपडेट देंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हो सके, और शेयर तो रहने दीजिए बट लाइक कर दीजिए आप, ठीक है। और बाकी कल के प्लान की अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। सो बाय, गुड नाइट।